जो की यही ललका ने पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर मोहल्ले में बसे घरों को खाली कराने पहुंची पुलिस की कार्रवाई के सदमे में 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें वार्ड पार्षद समेत 5 लोग शामिल हैं। घटना के फौरन बाद सभी को स्थानीयों की मदद से जीएमसीएच पूर्णिया ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। कोर्ट के आदेश पर 600 फोर्स के साथ प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए अब्दुल्ला नगर पहुंची थी। वहीं कार्रवाई को लेकर अब्दुल्ला नगर मोहल्ले के लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं SDO राकेश रमन और SDPO पुष्कर कुमार कार्रवाई से पहले महिलाओं से बातचीत करना चाह रहे थे, जिसके बाद कई महिलाएं अधिकारियों के आगे अपना पक्ष रखने पहुंची। इसी भीड़ में मौजूद एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत ऐसे बन पड़े कि एक के बाद एक 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके कुछ ही मिनटों के भीतर सभी को बारी बारी से GMCH पूर्णिया में इलाज के लिए एडमिट कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। जानकारी देते हुए SDPO राकेश रमन ने बताया कि करीब 26 एकड़ जमीन पर दखल दिलाने के लिए कोर्ट से आदेश आया है। जमीन की मापी की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद वे इस जमीन पर बचे कच्चे और पक्के घरों को खाली कराने पहुंचे थे। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। लोगों को कहा गया कि वे कोर्ट में जाकर अपना पक्ष दें और वहां से स्टे ऑर्डर लाएं। वहीं सदर SDPO पुष्कर कुमार ने कहा कि 600 से अधिक पुलिस फोर्स को घरों को खाली कराने पहुंची है। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार के साथ राजेश यादव की रिपोर्ट। अभी आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है कि बात करने के क्रम में ऐसा हो गया। तो हम लोग एम्बुलेंस रखे हुए थे, एम्बुलेंस से अभी उनको हॉस्पिटल में गए। अच्छा, अभी यहाँ खाली कराने के लिए आए थे आप लोग जी, क्या बातें हुई? कुछ वो लोग, उन लोगों ने भी कोर्ट का आदेश दिया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट 6 तारीख को एक आदेश देती है और उससे पहले 29 को दी है। माननीय न्यायालय का आदेश था, एक्सक्यूट होना है, डन। इसलिए हम लोग उसी, और फिर यहाँ सिविल कोर्ट से एक डेट तय किया गया था 11 तारीख, इससे पहले 4 भी किया गया था, तो 4 को भी हम लोग आए थे और इसी तरह विरोध का सामना करना पड़ा था। आज 11 को भी आए हैं, स्थिति आप देख ही रहे हैं। न्यायालय के भी लोग यहाँ हैं, उनको इन लोगों ने अपनी कुछ बातें रखी है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो वही बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि जब माननीय न्यायालय हमें एक्सक्यूशन के लिए आदेश करती है तो फिर हम यहाँ ऑन स्पॉट किन्हीं बिंदुओं पर विचार नहीं कर सकते, उसका निराकरण न्यायालय में ही हो सकता है। इन लोगों को बहुत जल्द अपना पक्ष रखना चाहिए वहाँ पे, जो भी बातें इन्होंने कहा है। आगे क्या आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? हम आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। हमने कोर्ट का आदेश का पालन करने आया था और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी आप देख रहे हैं, सिचुएशन बगल से NH गुजर रही है, ये भीड़ देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हम लोगों ने जमीन को चिन्हित किया और उसमें आगे बढ़ने कार्य का प्रयास किया, वैसे ही ये लोग अपनी बात रखने लगे। और इसी क्रम में काफी गर्मी भी है, शायद हो सकता है उसका भी प्रेशर हो। आज क्या वापस जा रही है पुलिस? नहीं नहीं, अभी हम लोग फिर जा रहे हैं और एक चीज जो सामने आया है, न्यायालय के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या इन लोगों को समय दिया जाएगा इसका? ये चीजें मैं यहाँ नहीं बोल सकता। इन लोग कोर्ट में अगर जाते हैं तो ठीक है, हम लोग अपने टाइम तक रहेंगे ही और प्रयास करते रहेंगे इस क्वेश्चन करने का। क्या छुट्टी जिसके पक्ष में खाली कराना था, उन्होंने जो वहाँ पैसा जमा किया था पुलिस फोर्स के लिए, तो 400 पुलिस बल थे और हमको लगता है 50 से अधिक ऑफिसर सम्मिलित थे। लेकिन जैसे ही JCB, चूँकि खाली में तो कोई दिक्कत नहीं था, खाली तो हम लोगों ने दिला दिया, जो जितना एकड़ होगा जमीन, 2-2.5 एकड़ या जितना है खाली। लेकिन जिसमें बिल्डिंग जिसमें वहाँ, उसी दिन ही पोजीशन दिला दिया गया था। जो बचा हुआ रेस्ट जिसमें मकान बना है, वो महिलाएं बच्चे आगे आगे जैसे JCB लाए तो लोग मरने के लिए उसी में 3-4 बेहोश भी हो गया। और फिर हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे है, कराना तो है हम लोग को, न्यायालय का आदेश, हम लोग तो इम्प्लीमेंटेशन कराना है। स्थिति खराब है निश्चित तौर पर, आप तो देख ही रहे होंगे, ये सारे लोग है खराब, लेकिन हम लोग तो बंधे हुए हैं ना, नियम और कानून शर्तों से बंधे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं से न्यायालय को गुमराह करके ये आदेश दिया गया है।
तो हम लोग भी यहाँ से न्यायालय गए हुए हैं और न्याय जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। अभी कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो रही थी, क्या क्या बात हुई? उनका कहना था कि 16-17 लोगों का स्टे हुआ है, तो हमारा कहना था कि 16-17 आदमी को आप बोले कि हम डिमार्केशन कर रहे हैं, तो हम उनको कह रहे थे कि और भी लोग यहाँ 150 लोग गए हुए हैं कोर्ट, जिनका डेट है 22 तारीख को, तो हमारा कहना था कि आप 16-17 लोग को यदि आप छोड़ रहे हैं तो वही सेम खेसरा सेम खाता और बगल का पड़ोसी को आप कहिए खाली करा दीजिए, तो ये कहीं से न्यायोचित बात है? न्याय मिलना चाहिए तो सब लोगों को मिलना चाहिए। मामला सेम है जी, सेम मामला सेम। मैट्रिक देने वाला है, बच्चा लोग है, उनका एग्जाम है, अब कैसी तैयारी होगी उनकी जिनका घर टूटने वाला हो? वो लोग परेशान है, रात में हम लोगों के पास आके रो रहे थे, भैया हम लोग का एग्जाम है, कैसे होगा, घर टूट जाएंगे तो कैसे एग्जाम देंगे, और एक साल की पूरी तैयारी तो गया इस साल बर्बाद। अब जिसका घर टूटा हुआ रहेगा वो कहाँ कैसे सेंटर जाएगा, सेंटर से आकर के कैसे एग्जाम देगा? ऐसा लगभग 50 बच्चा है जो मैट्रिक का जिनका एग्जाम है, अब उनके बारे कोई नहीं सोच रहा है, किसी को कोई जनता के प्रति किसी और का जमींदार को जमीन चाहिए, जमीन किसी और का। हम लोग 40 साल से मेरा पापा जो है जमीन लिया खरीद के, ठीक है, 1989 में जमीन लिया, और उनके बाद जो है सचिनानंद दास से जमीन लिया, आज ये दावा ठोकरा जो मेरा जमीन है। अगर उनका जमीन है तो आप अभी पर आइए, टाइटल फूट पर आइए, खतियान में जाइए, किनका जमीन है, प्रशासन से और कोर्ट से हम यही कहना चाहते हैं जो पूरा खतियान इसको टटोला जाए, जो खतियान देख कर इसमें सब बिका हुआ है, नाजिर बाबू तक के भी, जहाँ तक नाजिर बाबू को 10 कट्टा गरीबों के साथ धोखा हुआ है, आप लोगों का कहना है क्या, क्या कहें, गरीबों के साथ धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा नहीं है, और यह जो है कहीं ना कहीं पूरी पूरी जो है खतरा, और आज के डेट में हमारे जो है जो भी जो है जनप्रतिनिधि है उनका जो है बेरुखी कदम कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच में जो है यह भ्रम को फैला रही है कि जो है ये लोग कहीं ना कहीं बिक चुके हैं। तो ये बात बताइए कि ठीक है कोर्ट के आदेश के आलोक में कोई भी कार्रवाई आ रही है, लेकिन एक बड़े जनप्रतिनिधि होने के नाते कम से कम पब्लिक के साथ कम से कम सहानुभूति तो दिखा सकते हैं कि हाँ चलिए आप जो भी कार्रवाई हो रही है हम आपके तरफ से लड़ने के लिए तैयार है, कानूनी लड़ाई सही है हम लड़ने के लिए तैयार है, कोई आया कहने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है अभी तक जो है सो कोई नहीं आया है, और जो है बड़े जमींदारों का जो है सो स्टे लग चुका है, जमीन उनका जमीन जो है नहीं छूटेगा, लेकिन गरीब गुरबा का जो है घर को जो है तोड़ा जा रहा है। ये सुशासन की सरकार कही जा रही है? जी नहीं, ये जो है सो सुशासन की जो है सरकार नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गरीब हम गरीबों का सरकार है। जी हाँ, बोलते हैं सिर्फ, है नहीं अभी, वर्तमान समय में जो है गरीब भगाओ की जो है सो सरकार बन चुकी है, कि गरीब भगाओ सरकार है। जी हाँ जी, क्या मानेंगे, 10 बरस यही बस्ती में भरा घर। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल दीपक शॉप के साथ आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।